नहीं, मानते? देखो लॉरेंस करके अगर लोग कह रहे भी काफ़ी मशहूर है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ओदा परिवार कोई इन्होंने गलों से कोई किसी मतलब सरीके जी या नहीं, कोई भी कोई दुश्मन आई है ता हो गया या पैसे खातर हो गया, नहीं, क्योंकि लविंदर कुमार जड़े 21 है आपके प्यो दे, ये लविंदर कुमार दे बेटे है दो, तो व्डा लॉरेंस है छोटा अनमोल है जिन्हों भानू भी कह देंगे, तो यह परिवार ही नहीं भई वो जड़े है इस तरह कोई गैंगस्टर दी पासे जान। हाँ वो दा ये सी जदों भी छोटा सी खेडदा सी वो दे सी भी सपोज करो कोई एक मुंडे नू चार मुंडे पे है या कर दे, वो इस गलों सदा ही कहिंदा सी भी अन्याय नहीं होना चाहिए, बाकी ये जी गल नहीं भी कोई इस तरह का जड़ा है वो सानू तो लगता नहीं भी इस तरह जान वाला कोई नशा नहीं, वो मेरे ख्याल से हुण तां देखो कई साल हो गए वो मिलया नहीं, ना तो वो कदे कोई नशा सी उन्हों, सिर्फ दुध पींदा चाह भी नहीं पींदा सीगा, ते बाकी सिंपल रोटी खानी सिंपल रहना। आज भी जे इत्थे आ जे मेरे ख्याल तुसीं जजमेंट नहीं करोगे, मैं तो बहुत ज़्यादा उच्ची बोल रहा हूँ, इन्ना उच्ची भी नहीं बोल रहा, जी बगैर वो बोलता नहीं, नहीं नहीं ये जी गल नहीं, साढ़े सरीके च कोई ना राजस्थान से पुलिस से किसी पुलिस से साडा कोई परिवार का बंदा नहीं, क्योंकि साढ़े जेड़े सरीका सरीके से कोई पुलिस से नहीं, बाकी दूजी सिविल से तो कई नौकरियों से है सीगे, पर हुण पंजाब जिहड़ी ये कह रहा चैनल, मैनू तो ऐ लग रहा जिवें चैनल मैं तो कोई देखे नहीं, कोई पिंड दोतारे ने जाके किसी चैनल ने पूछा होए या उस परिवार चो या साडे परिवार चो पूछा है भी लॉरेंस का डैडी की कर रहा है, ये तो कदे किसी ने पूछा ही नहीं जो हो रहा है। एक मैं तुहाडे चैनल दे राही एक गल मैं जरूर कहना चाहुंदा कि हर बार जिहड़ा बिश्नोई गैंग, बिश्नोई गैंग देखो बिश्नोई जिहड़े साडे हैगे जेड़े जानवरों वास्ते हरे दरख्तों वास्ते अपना जीवन दे सकते है उन्होंने बचाने वास्ते, कि तुहानू लगता है कि इस तरह ग्रोह जिहड़े बन गए, तो जिहड़े चैनल वार बार जिहड़े नाम लै रहे हैं असी ये देख रहे हैं, साडी चर्चा भी चल रही है, असी समाज लेवल ते नहीं होया असी कोर्ट च भी जावांगे। देखो कोई गैंगस्टर किसी समाज चो भी हो सकता है, पर आप उस समाज नू सारे नू उहदे विच नहीं बन सकते। एक असी जदों ये सुनते हैं चैनल पर कि जिहड़ा है वह फिरौती वास्ते, क्योंकि साढ़े जिहड़े परिवार है राड़ परिवारों चो असी आउंदे आ, साढ़े सारे लैंडलॉर्ड है जिहदे कोल 110 किले लॉरेंस ते अज भी 110 किले उन्हां कोल पैड़ी हैगी, कि 110 किले वाला लैंडलॉर्ड बंदा कितों फिरौती मंगेगा? ये किसे जच रही है गल के? मैनू तां ऐ लगदा है जिवें उहदे नां ते जिहड़े है लोक वो फिरौती मंग रहे है, जिन्ना सिस्टम हो रहा है। दूजे पासे जिहड़ी हुण जिहड़ा चल रहा है मूसे वाले केस च, अगर कई बार बड़ी हैरानी होंदी है, एक पासे तां आपां तिहाड़ जेल नूं बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल मनदे हां हिंदुस्तान की, तो हाई सिक्योरिटी जेल के विचों किवें मैसेज आ रहा भी मैं करवाया, वो लॉरेंस का कह रहे भी मैं करवाया मैं बदला लिया, अगर वो जे इस तरह की गल हैगी फिर सरकार नूं चाहे पंजाब सरकार है चाहे उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने आपकी जेल से पहला सुधार करना पेगा कि मैसेज जा किवें रहे है, क्योंकि वह तो बहुत हाई सिक्योरिटी जेल है, वो कह रहे भी वो किसी नाल मिल भी नहीं रहे है, तो फिर ये मैसेज किवें बाहर आ रहे है, ये बड़ी सानू हैरानी होंगी है। मतलब कि हाँ सचिन बिश्नोई साढ़े पिंड का ही न्याणा हैगा, तो हुण चैनल पर भी देख रहे हैं, पर असी ये मनन नू तैयार नहीं कि वह इस तरह कर सकता है, क्योंकि उहदा परिवार 5 किले पेली है, कोई ये नहीं वो बाहर निकलिया फरौती कट्ठी की उन्हें बहुत कुछ जायदाद बनाई है जिवें चैनल से दिखा रहे है, कोई योजा नहीं हैगा, उहदा माँ प्यो है इकला आपदे प्यो दे माँ दे इकला बेटा है, तो यह जी कोई पिंड से तुसी किसे नूं पुछोगे ये नहीं इस तरह भी कोई इस तरह हो सकता है। फादर भी थोड़े हो गए जी? हाँ फादर वो तो एक 5 किले जमीन वाले एक भोला जमींदार हैगा, आपके घवातों कम करने वाले आपके कमा के रोटी खाने वाले बंदे है। नाम बढ़ा रहे जी सिद्धू मूसे वाला केस दे विच की मतलब है, एक आडियो तुम सुनी होनी है जी जिहदे विच वो कह रहे हैं किसी रिपोर्टर को ले कि मतलब कतल मैं किया नहीं, क्योंकि साढ़े पिंड का वो न्याणा है, तो सानू 100% जिहड़ा साडा मानना है भी ये ओदी जिहड़ी आवाज़ है नहीं, क्योंकि साडी आवाज़ सानू पता अगर बिश्नोई हिंदी बोलता पंजाबी बोलता वो जी है बोली वो कुछ लफ्ज़
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਿਸਨੋਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਗੁਫੀਆ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੇ ਕੇਸ ਕਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਕੇਸ ਕਾਂ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕਾਂ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਕੇ ਕੇਸ ਕਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪਰ ਗਿਆ ਆਇਓ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਤਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠੂਕ ਰਹਿੰਦੋ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਸੁਨਾਮ ਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸੌਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕੇਸ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਚਿਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਚਿਨੋਂ ਤੋਂ ਮੋਟੋ ਹੈ ਬਹੁਤ 8-10 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਮੋਟੋ ਸੀ ਸਚਿਨੋਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਯੋ ਜਿੱਤੋ ਤੋਂ ਗੁਣੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਅੱਗੋ ਬੇਟੋ ਉਜੜਿਆ ਵੀ ਕੇ ਕੇਸ ਕਾਂ ਕਿੰਗਾ ਬਾਰਾਂ ਬਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣੀ।